अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो प्रिय चैप्टर में हमने मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ा, वो सिक्स्थ चैप्टर था, और आज हम सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल पेरिकुलम। सो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे पेरिकुलम। सो इट इज द पीरियड, ऑफ अबाउट 6 weeks, 6 weeks आफ्टर चाइल्डबर्थ, विच द मदर्स रिक्रूटेड टू ऑर्गन्स रिटर्न टू दियर ओरिजिनल प्री प्रेग्नेंट कंडीशन। इसका मतलब क्या है, ये एक पीरियड होता है जो सिक्स्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद मतलब स्टार्ट होता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ विच द मदर्स रिप्रोडक्टिव, जहां पे जो मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो रिटर्न बैक हो जाता है, यानी कि वापस आ जाता है अपनी नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि प्री प्रेगनेंट स्टेज में, प्री प्रेगनेंट कंडीशन में वहाँ ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो रिटर्न बैक हो जाते हैं टू देयर ओरिजिनल प्री प्रेगनेंट स्टेज, तो इसको बोलते हैं पेरिकुलम। तो इसमें हम क्या देखेंगे, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन return back approximately to their pre-gravida state both anatomically and फिजियोलॉजिकली। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, वो प्री ग्रेव्ड स्टेट बोथ एनाटॉमिकली स्टेट बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। एनाटॉमिकल पोजिशन में वापस आएगा, यानी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आएगा, बोथ एनाटॉमिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, वो रिटर्न बैक हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली टू देयर जिसको हम बोलते हैं प्री ग्रेविडा स्टेट। सो बोथ एनाटॉमिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, और एक थोड़ा सा ऐड करूंगी, एंड दिस पीरियड इज नोन एज पोस्टनेटल पोस्ट पार्टम और पोस्ट डिलीवरी पीरियड। सो इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम,
पोस्ट नेटल, पोस्ट पार्टम और पोस्ट डिलीवरी पीरियड। जो पेरिप्यूरम होता है वो बिगिन होता है एज सून एज प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट। जो पेरिप्यूरम होता है वो तब स्टार्ट होता है जो ही हम प्लेसेंटा बाहर निकालते हैं। सो पेरिप्यूरम जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरिप्यूरम बिगिंस एज सून एज प्लेसेंटा बिगिन हो जाता है। एज जो पेरिप्यूरम होता है वो बिगिन होता है एज सून एज प्लेसेंटा इज एक्सपेल एंड लास्ट फॉर सिक्स वीक थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन। सो पेरिप्यूरम स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है एज सून एज प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट। जब प्लेसेंटा जो ही हम प्लेसेंटा बाहर निकालते हैं तो पेरिप्यूरम स्टार्ट हो जाता है। सो ये एंड इज एंड लास्ट फॉर सिक्स वीक्स, तो छह हफ्तों तक ये रहता है। तो इसी के थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन, तो ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ये प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन क्या होता है। तो इसमें ये प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन जो है ये चेंजेस ऑफ ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में मैं आपको बताऊंगी फिजियोलॉजिकल चेंज। अब हम देखेंगे इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज क्या क्या है। पहले हम देखेंगे इन्वोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेशली इन यूट्रस। जो अभी मैंने बोला आपको प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन होता है, तो इन्वोल्यूशन हम पहले देखेंगे यूट्रस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हर एक ऑर्गन को रिट्रैक्ट मतलब बैठ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हम बोलेंगे फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं ये रिटर्न बैठ जाते हैं अपने प्री ग्रेवडा स्टेट में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पहले हम देखेंगे इन्वोल्यूशन। सो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, पहले हम यूट्रस की इन्वोल्यूशन देखेंगे। सो इन्वोल्यूशन इज द प्रोसेस वायर बाय द पेल्विक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिटर्न टू देयर प्री प्रेग्नेंट साइज पोजिशन एंड द प्लेसेंटल साइज ऑफ एंडोमेट्रियल हील्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, इन्वोल्यूशन इज द प्रोसेस whereby the pelvis reproductive organs returns to their pre-pregnant size and position, size and position and the
एंडोमेट्रियल साइट एंड द प्लेसेंटल साइट ऑफ एंडोमेट्रियल हम क्या देखेंगे, जो यूट्रस होता है वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आता है, जो पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं, पेल्विक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिटर्न बैक हो जाते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेट में, प्री प्रेग्नेंट साइज में वापस आ जाते हैं, पोजीशन में वापस आ जाते हैं। और जो प्लेसेंटल साइज होती है, प्लेसेंटल साइज प्लेसेंटल साइट जो होती है वो हील हो जाती है। सो इसके आगे हमें और थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें इसमें बहुत पढ़ना है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।